हेलो दोस्तों, इस पर बताने वाला हूँ। जैसे कि ये ऊपर ये टूल जो होता है जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है द क्रिएट सिलेक्शन सेट, ठीक है, उसके बाजू में ये जो टूल है इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं। ये टूल बोलोगे कि ये 2020-21 में आया, नहीं, ये टूल आप पुराने वर्जन में भी देख सकते हो। पुराना वर्जन बोले तो आप 2017 में भी आपको यही टूल दिखा, या फिर आप पुराना, सबसे पुराना आप और भी पुराना देख सकते हो, और 2014 जो आप यूज़ भी करते होगे, ठीक है, आपके और भी पुराने वर्जन में आपको दिखेगा ये टूल। मगर आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा इसका यूज़ होता क्या है, आपने इसके बारे में वीडियो भी नहीं देखा होगा कहीं पर। क्या है ये, व्हाट इज़ दिस? अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। हम लोग अभी आ गए हैं अपने सीन में और हम मैं बताने वाला हूँ कि ये क्या है, क्रिएट सिलेक्शन सेट, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हो कुछ लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हो रहा है? असाइन ए नेम टू द करंट सिलेक्शन फॉर पिक ए सेव सेट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि आखिर में ये है क्या, ठीक है। यानी कि जो भी आप नाम रखोगे उस नाम पे आप करंट जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको आप इधर पे सेव कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं, अभी इसका यूज़ क्या है वो बता देता हूँ। ये लगभग आप समझ सकते हो कि एक तरह से हम लोग एक सिलेक्शन बनाते हैं ग्रुप की तरह। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को, अगर मैंने सेलेक्ट किया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैं उसको जाके दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो वो दोबारा मेरे को वैसा सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए तो आप बोलोगे अरे यार ग्रुप भी होता है लेयर भी होता है तो इसकी ज़रूरत क्या है, आप ये बोलोगे। मेरे पास ग्रुप भी होता है लेयर भी होता है तो इसकी ज़रूरत है क्या? तो इसकी ज़रूरत क्या है वो ही बता दूंगा कि पहले आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ। जैसे सपोज हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, एक सोफ़ा को सेलेक्ट किया, तो इसका देखो मैंने तोड़ के रखा हूँ, जैसे सोफ़ा ये टूटा हुआ है। अभी इसको सेलेक्ट करके, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको ग्रुप बनाता हूँ, डन, अगर मैं इसको बनाता हूँ ग्रुप, ठीक है, अगर मैं ग्रुप बनाता तो क्या होता है कि वो लॉक हो जाता है, फिर उसको बार बार हम लोग को क्या करना पड़ता है, अनग्रुप कर। अगर मैंने इसको ग्रुप बना दिया तो इसको बार बार मुझे अनलॉक करना पड़ेगा, यानी कि अनग्रुप करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको एक बार ग्रुप बना दिया, डन, ठीक है, ग्रुप बन गया है वैसे, ठीक है। अगर मेरे को सपोज़ मेरे को सिर्फ इसके पीछे वाले पार्ट को सेलेक्ट करना था तो अब तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो ग्रुप बना दिया हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं उसको अनग्रुप करूँ, एक बार मैं उसको अनग्रुप करूँ फिर जाके मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो मैंने अनग्रुप कर दिया, ओके, अभी देख सकते हो अनग्रुप है। अगर मैं इसके जगह पे यूज़ करता हूँ ये क्रिएट सिलेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, क्रिएट सिलेक्शन सेट को यूज़ करते हैं। अभी मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ ये सोफ़ा को, डन, सोफ़ा सेलेक्ट किया। अभी मैं क्या करूँगा, क्रिएट सिलेक्शन ऑफ सेट पे अप्लाई करूँगा। इधर मैं लिख लेता हूँ सोफ़ा वन, जो भी आपको नाम रखना है, जो भी आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्जी, आप वन रखो, टू रखो, थ्री रखो, मैंने इधर पे वन रखा। आपको ध्यान रखना है अपने, अभी इधर पे मैंने क्या किया, उसको काफ़ी देर तक होल्ड रखा तो वो अपने आप ही इरेज हो गया, तो अभी क्या हो गया, कुछ नहीं मिला यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है जैसे ही आपने टाइप किया हो तो वैसे ही आपको करना है इंटर। जैसे मैंने इधर पे सोफ़ा को सेलेक्ट किया, डन, जैसे ही आपने यहाँ पर टाइप किया, जैसे मैंने इधर सोफ़ा टाइप किया, जस्ट वैसे ही हम लोग को प्रेस करना है इंटर। और सॉरी देखो मिस हो गया, फिर से लिखना है सोफ़ा, फिर वन, फिर इंटर, ठीक है, सोफ़ा वन, फिर इंटर। अभी बोलोगे फिर से गायब हो गया सर, क्या करना है, इधर भी क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ। अब मैं ऐसे सेलेक्ट करने तो एक ही सिलेक्ट होगा, जब मैं यहाँ पर क्लिक करके सोफ़ा पे क्लिक, देखो पूरा सोफ़ा फिर से वापस सेलेक्ट होगा। ये ग्रुप भी नहीं है ना ही लेयर है, ये अलग से एक सिलेक्शन का अलग से हम लोग एक नया ऑप्शन है, नया भी नहीं है यानी कि ये पुराना ऑप्शन है, जो किसी को पता नहीं होगा तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो फिर और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, अगर पूरा वीडियो नहीं देखो तो बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे यहाँ पर, कि बहुत सारी चीज़ें नई आपको पता चलेगी जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ने अगर नया नया इधर पे ज्वाइन किया है, नया नया वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे और भी वीडियो आने वाले हैं, और पुराने वीडियो भी देख लीजिए, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, ठीक है। तो अभी ये मैं आपको बता दूँ, ये आपने सेलेक्ट किया, ये आ गया, ठीक है, डन।
तो अभी आप बोलोगे तो ये तो मैं लेयर में भी कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि मैं तो ऐसे सोफ़ा का अलग से लेयर भी बना दूँ, इसका भी अलग से मैं लेयर बना दूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लेयर बना सकते हो। आपने लेयर बना दिया, इसका लेयर बना दिया, डन, आपने बना दिया, चलो इसका लेयर बना दिया, अलग से नेमिंग कर दी, ठीक है। लेयर में पंगा ये होता है कि एक बार एक का लेयर बन जाता है तो फिर उसका दूसरा लेयर में उसके दूसरे नाम से उसको फिर से कहीं पे ऐड नहीं कर सकते, वो उसी लेयर में रहेगा। अगर उसको शिप करेंगे दूसरे लेयर में तो फिर वो लेयर से हटके दूसरे लेयर में आ जाएगा, पंगा ये होता है। मगर इसमें वैसा पंगा नहीं है। अगर मेरे को चाहिए, जैसे कि मैंने एक बार सोफ़ा का सिलेक्शन बना दिया अलग से, अगर मेरे को एक सिलेक्शन चाहिए कि मेरा सोफ़ा और ये जो टेबल है, सोफ़ा और टेबल, ये वाला सोफ़ा और ये टेबल, सॉरी, ये टेबल और नीचे कारपेट, तीनों का एक सेपरेट सिलेक्शन हो जाए। कभी मेरे को सोफ़ा अलग से हटाना हुआ, मूव करना हुआ, कभी टेबल और मेरे को कारपेट और सोफ़ा तीनों को साथ में मूव करना हुआ, या फिर सिर्फ टेबल को मूव करना हुआ, तो टेबल तो अलग से ही ग्रुप में मैंने बनाया हूँ, ठीक है। तो इधर पे मैं एक नया सिलेक्शन बनाता हूँ, इधर पर लिख देता हूँ सोफ़ा एंड कारपेट, अपने रिमाइंडिंग के लिए कि हाँ ये कौन सा सिलेक्शन है, ताकि पता चले, ताकि जो चीज़ मैं ज़्यादा यूज़ करूँ, जिस चीज़ को मैं ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ उसका मैं एक अलग से सिलेक्शन बना दिया। अभी देखो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बना दिया, ओके डन। अभी देखो मेरे को कभी मेरे को सोफ़ा सेलेक्ट करना हुआ तो सोफ़ा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने एक बार सोफ़ा का मैंने मिक्स करके बना दिया तो नहीं, आपका नहीं होगा। जैसे अगर मैं अगर उसको ग्रुप में करता तो पंगा ये होता कि अगर मैंने पूरा ग्रुप बना दिया उसको मैं अलग से सेपरेट नहीं कर पाऊँगा। तो यही है इसमें फ़ायदा। अभी ये देख सकते हो एक और आप में सेलेक्ट हो गया, डन, ओके। आपको समझ में आ गया क्या है इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको 100%, ओके, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया, डन, ओके। तो फिर आगे मैं बता देता हूँ कि आगे क्या, आगे ये है, उसके बाजू में है मैनेज सेलेक्शन सेट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, इधर पे आप देख सकते हो जितने भी हम लोग ने बनाए हैं, तीन सिलेक्शन बनाया हम लोग ने, एक तीन से, सॉरी, एक तो ये ब्लैंक है, ये इसमें ऐसे गलती से कुछ भी सिलेक्ट किया था मैंने, ठीक है। तो ये है, दो हम लोग ने सिलेक्शन बनाया। अगर मैं इधर पे देखो, ये भी कुछ हद तक एक लिस्ट आ जाती है कि कितने सिलेक्शन है। अगर मेरे को कोई रिमूव करना है, जैसे कि ये ब्लैंक है, गलती से आ गया है, इसको मुझे रिमूव करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इधर पे है ये रिमूव ऑप्शन, देखो रिमूव हो गया, वाला एक्स्ट्रा चीज़ रिमूव हो गया। मेरे को कोई एक नया ऐड करना है, ठीक है, एक नया ऐड करना है, तो ऐड कैसे होगा, ऐसे ब्लैंक भी ऐड कर सकते हो, मगर कर सकते हैं, ठीक किया, ये देखो ब्लैंक है, कुछ नहीं है, एक ब्लैंक लेयर आ गई, ब्लैंक चीज़ें आ गई। इसका मैं नाम इधर पर लिख सकता हूँ, इधर पर क्या बार बार मुझे क्लिक करके काफ़ी फटाफट करने की ज़रूरत नहीं है। इधर पर मैं शांति से एक सेट बना सकता हूँ जो सेट मुझे चाहिए। तो अगर मुझे एक सेट चाहिए कि मेरे को एक सेट ये प्लांट्स और ये सोफ़ा का सेट चाहिए, ठीक है, प्लांट और ये सोफ़ा का सेट चाहिए, तो कैसे, तो इधर पे लिख देता हूँ, एक प्लांट का सेट चाहिए, प्लांट एंड सोफ़ा का सिलेक्शन चाहिए, कभी मेरे को उन लोगों को साथ में मूव करना हुआ तो वो मेरे लिए आसानी, ठीक है। ये नेमिंग कर दिया मैंने, डन, नेमिंग तो हो गई। अभी इसके अंदर मैं ऐड कैसे करूँगा, ऐड करने का क्या इजी तरीका है, आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी पार्ट्स को आपको सेलेक्ट करना है, जो भी पार्ट को आपको उसके अंदर डालना है। देखो सोफ़ा के अलग अलग, पिलो के भी अलग अलग है, जो साथ में ग्रुप नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन आपको बार बार करना है, समझ लो ये ग्रुप नहीं है, ठीक है, अगर ये ग्रुप नहीं है तो आपको बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मेरे को बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, अगर मैंने इसको ग्रुप बनाया होता तब भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जाके जब ग्रुप बना देते ना फिर जाके प्रॉब्लम ही होती है। अगर मैंने इसी का ग्रुप बनाया, मेरे साथ वो भी मर्ज होता तो काफ़ी अच्छा होता, ये भी साथ में होता तो अच्छा रहता, कभी वो चाहिए कभी नहीं चाहिए, फिर बार बार अनग्रुप करो, ग्रुप करो, अनग्रुप करो, ग्रुप करो, वो उसमें टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम वेस्ट होता है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो जिसके लिए ये काफ़ी बेस्ट वो है, फुल है, ओके। तो ये सेलेक्ट किया, अभी ये एक सोफ़ा का आ गया, सोफ़ा को मैंने इधर पे कर लिया मर्ज, ये है प्लस, ऐड कर लिया इसके अंदर, इसमें ऐड हो गया प्लस करने के बाद, ठीक है। हम लोग मूव भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को वाला पार्ट नहीं चाहिए, जैसे कि अगर मेरे को पिलो, ये वाला पिलो नहीं चाहिए उसके अंदर, ऐड नहीं चाहिए, पिलो को मेरे को ऐड नहीं करना है, ये वाला एक पिलो को मुझे ऐड नहीं करना है, या फिर ऐसा है कि
मुझे एक पिलो को ऐड नहीं करना है तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, माइनस कर दूंगा तो आप देखोगे कि ये वाला पिलो सेलेक्ट नहीं होगा। अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर से, यहाँ से क्लिक करके किया, तो कर देता हूं मैं माइनस। देखिए इस सेलेक्ट हो गया, डी सेलेक्ट हो गया, माइनस कर दिया मैंने उसको पिलो को, डन। यानी कि आपको वो वाला अगर गलती से अगर चले गया है तो उसको आप माइनस भी कर सकते हो। मैंने फिर से ऐड कर दिया उसको भाई, मैं इधर पे कारपेट जैसे कि मेरे को प्लांट को भी डालना है, प्लांट को ऐड करना है, तो सेम वही चीज़ है, प्लांट भी अलग अलग है, इसको ग्रुप नहीं किया हो यहाँ पर, तो वही चीज़ें हैं। तो सेलेक्ट करके सबसे पहले कुछ भी ग्रुप नहीं है इसमें, कहीं भी ग्रुप अप्लाई नहीं है। भी आप बोलोगे प्लांट को ग्रुप क्यों नहीं कर देते, आप बोलोगे प्लांट को ग्रुप क्यों नहीं कर देते, प्लांट को ग्रुप अगर मैं कर देता, ठीक है, प्लांट को अगर मैं ग्रुप कर देता तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये होती कि मैं अलग से उन लोग को मूव नहीं कर पाऊंगा बाद में, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर ये प्लांट को सेलेक्ट किया, इस प्लांट को मैं ऐड कर लेता हूँ, एक अलग से इन लोग का भी एक अलग से एक नया बना देता हूँ, एक नया सिलेक्शन प्लांट्स, एक नया आ जाएगा, ऐड हो गया प्लांट्स नाम से, ठीक है। तो अभी मेरे को सिर्फ प्लांट्स को सेलेक्ट करना हुआ तो मैं प्लांट को सेलेक्ट यहाँ से क्लिक करके कर सकता हूँ, सेलेक्ट प्लांट्स आ गया प्लांट्स, ठीक। तो अगर सपोज़ ये प्लांट को अगर मैंने मूव भी कर दिया कहीं पे, ये प्लांट को अगर मैंने कहीं पे मूव भी कर दिया तो ये प्लांट को आप देखोगे तभी भी वो सेलेक्ट है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर वो ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अंदर सिलेक्शन आ गया उसके साथ, ठीक है। तो वो प्लांट कहीं पे भी रहे आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको दिखा फायदा है इस, तो अभी यहाँ पर मैं देखो तो मूव कर दिया यहाँ पर, ये तो इसको भी मैं अलग से एक प्लांट सिलेक्शन दे सकता हूँ जैसा है, और अगर मेरे को कभी मॉडिफाई करना हुआ तो मैं आसानी से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। समझ लो इसका टेक्सचर में कुछ चेंजेस करना है, इसके मॉडल में कुछ चेंजेस करना है, इसके ये कप में कुछ चेंजेस करना है, ओके। तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अभी ये देखो मैं अभी चाहे तो फिर से प्लांट को सारे प्लांट फिर से मेरे सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये मैंने इतने दूर तक मूव किया, ठीक है। अभी मैं इसका भी अलग से एक सिलेक्शन बना सकता हूँ, प्लांट स्मॉल प्लांट एंड लिख सकता हूँ, डन। देखो इसका भी अलग से सिलेक्शन बन गया, अगर मेरे को उसको सेलेक्ट करना हुआ तो इसको मैं यहाँ पर भी क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट हो गया। या फिर मेरे को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है, अगर तो मेरा ये विंडो बंद हो गया है क्या, मैंने पहले ये शॉर्टकट हो जाता है, जैसे मेरे को प्लांट सबके सब प्लांट चाहिए, या फिर एक स्मॉल वाला प्लांट जो मैंने लिया था अलग से सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसको मेरे को मूव करना है इजीली तरीके से, मूव कर लिया। इसके अंदर कोई लेयर नहीं है, ठीक है, लेयर का पंगा नहीं, जो हम लोग को पता है कि हम लोग को ये ऑब्जेक्ट कभी मूव करना पड़ेगा, कभी उसके अंदर ज़्यादा इसका यूज़ है कि इसको मेरे को पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव करना पड़ेगा, इसके अंदर वो नहीं कि हाँ कि अभी आपने इसको एक में रख लिया तो उसको उसमें ही रहने दे। यानी कि लेयर में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने एक लेयर में रख दिया फिर उस लेयर से उस लेयर में शिफ्ट करोगे तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम, ग्रुप में प्रॉब्लम ये होती है अगर उसको ग्रुप कर दिया फिर आपको उसको तोड़ने के लिए बार बार अनग्रुप करना पड़ेगा, अनग्रुप करो अनग्रुप करो अनग्रुप करो। तो इसमें क्या अनग्रुप का जैसा ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ग्रुप का जैसा, बस आपने एक सिलेक्शन बना दिया, बस आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट एंड मूव करो जहाँ पर, ये काफ़ी
है। तो अभी एक और चीज़, जैसे कि अभी एक और है जो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय नेम, जैसे कि आप नाम के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे कि अभी क्लिक किया, जैसे कि अगर मेरे को कोई एक ऑब्जेक्ट का नाम है तो अगर मेरे को उसको सेलेक्ट करके उसको इसके अंदर ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर ढूंढने में प्रॉब्लम है, जैसे मैंने किसी का नाम रख दिया कप या डब जो भी है, इसका नाम रख दिया कप, तो मेरे को इसको ढूंढने में आसानी होगी यहाँ पर कि वो ऑब्जेक्ट है किधर पे। इधर सर्च करूँगा कप नाम का ऑब्जेक्ट मेरा है किधर, कप नाम का ऑब्जेक्ट, उस कप नाम के ऑब्जेक्ट को मेरे को किसके अंदर डालना है, मेरे को स्मॉल वाले में डालना है। ठीक है, स्मॉल वाले में मेरे को वो उस कप नाम के ऑब्जेक्ट को डालना है, तो कप नाम का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड दिस कप नाम का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो कप नाम का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, कहीं पे भी होगा, मैं कप नाम का, मेरे को नाम पता है उसका, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर उसका मैं अलग से एक सेलेक्शन भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये भी है बेस्ट ऑप्शन। हाईलाइट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो सेलेक्टेड है ऑब्जेक्ट उसका उसका क्या है, उसका जो ये क्या है, यानी कौन सा समझ लो, कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जैसे मैं पत्ती को ही सेलेक्ट किया, मुझे पता कैसे चला ये पत्ती का मैंने क्या नाम दिया था, कौन से नाम से मैंने रखा हूँ। जैसे कि मैंने अगर ये पत्ती को सेलेक्ट किया, इस नाम से मैंने कौन सा वाला सेलेक्शन बनाया हूँ, तो इधर पे मैं क्लिक करके पता कर सकता हूँ ये मैंने प्लांट्स के अंदर डाला है। ठीक है, ये मैंने प्लांट्स वाले नेम के अंदर मैंने डाला है और पता भी चलेगा प्लांट्स वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, अगर आपको कोई मॉडल चाहिए तो आप मॉडल के लिए विजिट कर सकते हो pixelin.com पर, वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे लोएस्ट प्राइस पे। आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर ये टूल कैसे यूज़ होता है। 3ds Max में सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, बाकी पता नहीं आपने, आपको किसी ने बताया है कि नहीं बताया है, अब मुझे नहीं पता। अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और ना लाइक कीजिए ताकि सब लोग के पास पहुंचे। भले आप शेयर ना करो, आपकी मर्जी, आप शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करोगे, जितना आप लाइक करोगे उतना सब लोग के पास पहुंचेगा। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो ऐसे ही वर्क करता है, जिन लोग का लाइक ज़्यादा होता है उन लोग की वीडियो को वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, जिन लोग 3D यूजर्स हैं यानी जिन लोग उस तरह के काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, अगर करना है तो आपकी मर्जी। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।